स्वागत है आप सभी का पोषण ट्रैकर ऐप की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्जियन आधार के बारे में, जैसे कि इसको अपडेट करना कितना ज़रूरी है और इसको कैसे अपडेट करना है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं अभी तक इसको अपडेट नहीं की हैं, तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले अपडेट आने तक आप सभी आंगनबाड़ी सेविका बहन इसको अपडेट जरूर कर लें। चलिए कैसे अपडेट करना है इसके बारे में हम पूरा प्रोसेस देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए, हम यहाँ पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके होम पेज पर ही ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्जियन आधार। जैसे कि हमें पहचान करना है कि हम जिस बच्चे का नाम पोषण ट्रैकर ऐप में ऐड किए हैं और उसका आधार हम किसके नाम से वेरीफाई किए हैं, उस बच्चे के नाम से वेरीफाई किए हैं या उसके फादर के नाम से वेरीफाई किए हैं या उसके गार्जियन दादा दादी चाचा चाची कोई भी हो सकते हैं गार्जियन में, तो हम किसके आधार से उस बच्चे का आधार वेरीफाई किए हैं, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन किए होंगे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेनिफिशरी में आएंगे, बेनिफिशरी में आने के बाद यहाँ पे किसी एक कैटेगरी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम बच्चे का नाम ऐड करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो बच्चे के माता या पिता किसी के भी आधार से आप लोग यहाँ पर आधार वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अगर बच्चे का आधार नहीं है तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करते होंगे तो यहाँ पे मदर का आधार का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे मदर का भी आधार आप डालना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे आएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ फादर या गार्जियन का आधार से भी बच्चों का आधार वेरीफाई किया गया था, तो इसी को हमें पहचान करके वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि हमने किसके नाम से वहाँ पर आधार वेरीफाई किया है, फादर के नाम से किया है या उनके गार्जियन के नाम से किया है। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। हम यहाँ पे ये ऑप्शन ओपन करेंगे, आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्जियन आधार, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ओपन कर लिए हैं। अब देख सकते हैं कि इतने बच्चे जो हैं हमें इनको आइडेंटिफाई करना है, इनका आधार वेरीफाई जो है वो किनके नाम से हुआ है हमें ये वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर किसी एक नाम को ओपन करते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस बच्चे का नाम है मोनाक्षी कुमारी और यहाँ पर हमें अपडेट करना है, तो अपडेट वाले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक पेज खुल के आएगा। लिखा गया है फॉलोइंग आधार वाज यूज टू वेरीफाई द बेनिफिशरी, यानी किसके नाम से जो आधार वेरीफाई है वो किया गया था, ये वेरीफाई करना है कि ये आधार किसका हमने ऐड किया था आधार वेरीफाई करते समय। तो यहाँ पे अगर उसके फादर के नाम से आपने आधार वेरीफाई किया था और आप श्योर हैं कि हमने फादर के ही नाम से आधार वेरीफाई किया है तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली नीचे आएंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अगर उसके फादर के नाम से होगा तो, अगर उसके फादर के नाम से नहीं है उनके गार्जियन के नाम से है तो यहाँ पे आपको गार्जियन वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ही मेल वाले पे सिलेक्ट हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फादर के नाम से आधार जो वेरीफाई है वो किया गया है। अगर फीमेल के नाम से होता तो यहाँ पर आपको जो ये सर्कल है यहाँ पर आपको रेड टिक का निशान आपको देखने को मिल जाता। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा, आर द चाइल्ड्स मदर एंड फादर स्टिल अलाइव, क्या बच्चे के माता पिता जीवित हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे यस करना है, अगर गार्जियन के नाम से कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और नीचे आके सबमिट कर देंगे। अगर बच्चे के माता पिता जीवित नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे और फिर आके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो हम यहाँ पे बच्चे के फादर अभी जिंदा है और उनके ही नाम से यहाँ पे जो आधार वेरीफाई हुआ है उस बच्चे का, तो हम यहाँ पे फादर पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे आके सबमिट कर देंगे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे उस बच्चे का जो आधार वेरीफाई है उसके फादर के नाम से किया गया था और यहाँ पे सक्सेसफुली ये अपडेट हो चुका है। तो जैसे ही आपका अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा उसका नाम हट जाएगा और जो बाकी बच्चे हैं उनका नाम यहाँ पे अभी शो कर रहा है, तो बारी बारी से सभी बच्चों का आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि किनके नाम से यहाँ पे आधार वेरीफाई किया गया है। चलिए एक और हम यहाँ पे वेरीफाई करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूजा कुमारी लड़की का नाम है
और यहाँ पे उसके फादर का नाम करमजीत महतो है, तो हमें इसको अपडेट करना है, वेरीफाई करना है। तो हमें यहाँ पे मालूम है कि हमने इनका जो आधार वेरीफाई किया है वो इनके फादर के नाम से ही किया है, तो हम गार्जियन वाले ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, सीधे यहाँ पे फादर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पे आके फिर से सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं बारी बारी से जितने भी बच्चों का नाम यहाँ पे दिखा रहा है इस लिस्ट में, इन सभी का आपको अपडेट कर लेना है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को आज की ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।